ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव, नहीं ना? तो ट्रांसवर्स वेव क्या होता है कि वेव जो है, वेव वेव क्या है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, एनर्जी जाएगा, ठीक है। तो ट्रांसवर्स वेव में क्या होगा कि एनर्जी जा रहा है इधर, एनर्जी इधर जा रहा है, लेकिन जो पार्टिकल है वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। एग्जांपल स्ट्रिंग, वेव जा रहा है इधर लेकिन पार्टिकल ऐसे ऐसे ऑसिलेट किए, तो वो हो गया ट्रांसवर्स, ठीक है ना। तो बेसिकली जब हम लोग बोलते हैं कि वी आर गिविंग एनर्जी टू द पार्टिकल, वी आर गिविंग, जब एनर्जी हम लोग पार्टिकल को दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, पार्टिकल को मूवमेंट दे रहे हैं। तो वो मूवमेंट ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। अब पार्ट, अगर वेव ऐसे जा रहा है और मूवमेंट ऐसा है पार्टिकल का, तो वो हो गया ट्रांसवर्स। अगर वेव ऐसा जा रहा है और पार्टिकल का मूवमेंट ऐसे ऐसे है, तो वो हो गया लॉन्गिट्यूडनल। क्लियर है? ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल स्ट्रिंग, लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल साउंड। साउंड जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर हम आपने अभी हम कुछ बोले, ऋषभ बोले, तो ये जो ऋषभ वर्ड है ना, आपको कैसे सुनाई दिया? स्ट्रेट लाइन में आके। तो बेसिकली क्या है, वो वर्ड जो मैंने बोला, तो क्या क्या होता है एक्चुअली, वोकल कॉर्ड होता है जो कि वाइब्रेट करता है, और वोकल कॉर्ड जब वाइब्रेट करता है तो उसके आसपास के एयर को भी वो वाइब्रेट कराता है, उसके आसपास के एयर को वो जबरदस्ती वाइब्रेट करा रहा है। अब वो जो एयर है वो अपने बगल वाले एयर पार्टिकल को वाइब्रेट किया, फिर वो अपने बगल वाले को वाइब्रेट किया, फिर वो अपने बगल वाले को वाइब्रेट किया, ऐसा करते करते करते, ठीक है, जो एयर हमारे और आपके बीच में है, सब एयर का पार्टिकल्स वाइब्रेट हो रहा है। क्लियर है? और लास्ट लास्ट में आपके कान के अंदर जो तीन बोन्स हैं उसको भी वाइब्रेट करता है, ठीक है। और फिर आपका ब्रेन जो है वो क्या कहते हैं, डिकोड करता है कि वो एक्चुअली क्या बोला जा रहा है। तो बेसिकली क्या जा रहा है हमारे से आप में, वाइब्रेशन, ठीक है, एयर पार्टिकल्स का वाइब्रेशन। अब वो वाइब्रेशन जो है ऐसे भी हो सकता था, ऐसे भी हो सकता है, तो एयर वाले पार्टिकल का ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। और अगर आप ध्यान दीजिएगा तो आप अभी ही समझ लिए होंगे कि हमारे और आपके बीच में कुछ मीडियम होना ज़रूरी है साउंड को पास करने के लिए, क्योंकि अगर वैक्यूम हो जाएगा तो कुछ वाइब्रेट करने के लिए कुछ है ही नहीं, साउंड जा ही नहीं पाएगा। क्लियर है क्या? उसको बोलते हैं हम लोग मैकेनिकल वेव, ठीक है, कि वाइब्रेशन जरूरी है, मीडियम जरूरी है। क्लियर है क्या? तो साउंड इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्लियर है? आगे बढ़िए। क्लियर है क्या? जैसे कि हम लोग का है अभी एयर, क्लियर है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जैसे कि एग्जांपल लाइट, सूरज की किरणें जो है हमारे पास आती हैं, और हमारे और सूरज के बीच में बहुत सारा ऐसा स्पेस है जो कि वैक्यूम है, ठीक है, लेकिन तब भी आ जाता है, तो ये नॉन मैकेनिकल वेव है, ठीक है। बेसिकली क्या है, फोटोन भी है ना, लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटोन, तो फोटोन जो है वो आ रहा है हमारे पास। क्लियर है क्या? वाइब्रेशन नहीं है वो फोटोन से। क्लियर है क्या? पढ़िए। Sound wave is basically a part of longitudinal wave with frequency varying from 20 hertz to 20,000 hertz.
सिमिलरली लाइट वेव इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद वेवलेंथ वेरिंग फ्रॉम एप्रोक्सीमेटली टोटल एंगुलेशन टू टोटल एंगुलेशन। ये मैटर वेव याद है, डी ब्रॉगली याद है, एम वी इज इक्वल टू एच बटे, वो तो ठीक है लेकिन डी ब्रॉगली की वेवलेंथ क्या था एक याद है, एम वी इज इक्वल टू एच बटे लेमडा, और वो लेमडा जो था वो डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकलता था, क्लियर है क्या? और एम वी क्या है, मास इंटू वेलोसिटी किसका, मैटर का, मोमेंटम किसका, मैटर का, मैटर का, क्लियर है क्या? आगे बढ़ी। इन द प्रोपगेशन ऑफ मैग्नेटिक वेव्स इलास्टिसिटी एंड इनर्शिया ऑफ द मीडियम प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। क्लियर है क्या? इनर्शिया इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, अब देखिए ध्यान से, कैसे देखना है, ध्यान से। जब इलास्टिक होता है ना तब एनर्जी ट्रांसफर होता है, इलास्टिक नहीं है तो एनर्जी ट्रांसफर डिफिकल्ट है। कैसे बताते हैं, आपके पास बैट है, क्या है आपके पास, क्या है, बैट है, ठीक है, और वो जो बैट है आपने जो है क्या किया, उस बैट को आपने, बैट आप चला रहे हो, ठीक है, मेरे पास बॉल है, क्या है, बॉल है, ठीक है, और मैंने बॉल को मारा आपके बैट पे, क्लियर है क्या? आपने स्ट्रेट बैट चलाया तो बैट, तो बॉल जो है स्ट्रेट चला गया लेकिन मेरे बॉलर के ऊपर से चला जाता है ना, कैसे जाता है वो? तो बेसिकली जो बॉल है ना, मैंने जो बॉल और बैट का जहाँ पे मिलता है वहाँ पे बॉल जो है हल्का सा पिचक जाता है और उसके बाद फिर जो है वो रिगेन करता है अपना शेप को और फिर वो बाउंस बैक करता है, क्लियर है क्या? जैसे कि स्प्रिंग है, स्प्रिंग को ऐसे आपने किया, स्प्रिंग जो है कंप्रेस हुआ, उसके बाद फिर जब आपने छोड़ा तो स्प्रिंग इलोंगेट करता है और बाउंस करेगा, क्लियर है क्या? सेम चीज जो है बॉल के साथ भी होता है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर बॉल अपना शेप रिगेन नहीं कर पा रहा है तो आपको एनर्जी वापस नहीं मिल पाएगा बॉल से। एग्जाम्पल, मैंने आटा का बॉल मारा है आपके बैट पे, क्या होगा? आटा का बॉल आया, चिपक गया, क्यों? क्योंकि उसका जो है शेप डिफॉर्म हुआ और फिर वो रिगेन कर ही नहीं पाया, तो वो रिगेन करने की क्षमता को बोलते हैं हम लोग इनर्शिया या फिर इलास्टिसिटी, सॉरी इलास्टिसिटी बोलते हैं, क्लियर है क्या? तो अगर इलास्टिक नहीं है तो फिर वो रिगेन नहीं कर पा रहा है शेप। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मेरे और आपके बीच में एयर है, ठीक है, एयर इलास्टिक मीडियम, तो एयर जो है वाइब्रेट किया तो इधर गया फिर से इधर आया, ऐसे वाइब्रेट किया और बगल वालों को वाइब्रेशन दिया उसने, लेकिन मानिए कि उधर गया वो वापस आ ही नहीं पा रहा है, उधर ही रह गया, क्लियर है क्या? तो वाइब्रेशन देना उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्लियर है क्या? वाइब्रेशन पास कब होगा? जब इलास्टिक मीडियम, ठीक है, इलास्टिसिटी एंड इनर्शिया ऑफ द मीडियम, ठीक है, प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, क्लियर है क्या? आगे बढ़ी। हाँ, सॉलिड मीडियम से कौन कौन सा जाएगा, ट्रांसवर्स या फिर लॉन्गिट्यूडनल, लेकिन फ्लूइड में हमेशा कौन सा जाएगा भाई, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है, और फ्लूइड का मतलब क्या है भैया, लिक्विड या फिर गैस। तो बेसिकली क्या होता है, देखिए सॉलिड्स में एक दूसरे से अच्छा खासा बॉन्ड होता है, ठीक है ना, तो ट्रांसवर्स वे में क्या है, ऊपर नीचे कर रहा है, तो
ऊपर जब गया तो बगल वाले को भी खींच लिया, ठीक है ना। लेकिन फ्लूइड्स में, लिक्विड्स और गैस में उतना नहीं होता है, तो ऊपर गया ना तो ऑलमोस्ट यू नो लाइक काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। तो जब वो गया ऊपर तो बगल वाले को खींचना डिफिकल्ट है उसके लिए, ठीक है। इसीलिए आगे पढ़िए। क्लियर है क्या? तो इसीलिए ओनली लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर ऑब्जर्व थ्रू द बल्क ऑफ लिक्विड्स। क्लियर है क्या? आगे बढ़िए। Surface waves are neither longitudinal nor transverse. The radius of a circle increases as the depth into the water increases. Surface waves are neither longitudinal nor transverse. The length, the radius, stay. ज़्यादा काम करने आगे बढ़िए। Earthquakes are capable of producing both types of waves, transverse as well as longitudinal. The P waves, primary waves in an earthquake, are example of longitudinal waves. The P waves travels with the fastest velocity and are the first to arrive. The secondary waves, S waves, in an earthquake are example of transverse waves. S waves propagate slower than primary waves. ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। अर्थक्वेक में जो है ना दो दो कंपन होता है, पहले हो गया प्राइमरी वाला, तो जो कि ऐसे ऐसे आया, लॉन्गिट्यूडनल है, ठीक है। दूसरा है ट्रांसवर्स वाला, ट्रांसवर्स वाला लेट से आता है, थोड़ा सा सेकेंड लेट, और ट्रांसवर्स से ज़्यादा होगा प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि ऐसे ऐसे कर रहा है तो बिल्डिंग तो गया ना। ऐसे इसमें भी ठीक हो सकता है, प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन उसमें जो है अच्छा खासा हो जाएगा। क्लियर है क्या? क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे जो जा रहा है तो पूरा आपका लाइक बिल्डिंग ऐसे गया ऐसे गया, क्लियर है क्या? लेकिन जो इसमें ऐसे ऐसे जा रहा है तो आपका एक पिलर ऊपर है, एक पिलर नीचे है, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है क्या? चलिए अब